खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां बुलडोजर से संबंधित कार्रवाइयों को लेकर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी अपराध में वांछित होने पर अपराधी के घर बुलडोजर नहीं चलता। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण अतिक्रमण पर बुलडोजर विधि की परिधि के दायरे में ही चलता है। दरअसल बुलडोजर एक्शन से के खिलाफ SC में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि बदले की कार्रवाई के तहत बिना नोटिस के मकान गिराए जा रहे हैं। इस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। किसी भी आरोप में या अपराध में वांछित होने पर किसी का मकान, दुकान या किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन बुलडोजर के द्वारा नहीं गिराया जाता, लेकिन अगर कोई मकान, दुकान या कोई निर्माण कार्य किसी अवैध स्थान पर है, अतिक्रमण करके बनाया गया है, नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर उस अतिक्रमण को गिराया जाएगा। और उत्तर प्रदेश हो या अलग अलग राज्यों में बुलडोजर की यह कार्रवाई विधि की परिधि के दायरे में हुई है। जहां कहीं भी अवैध निर्माण है, अतिक्रमण किया गया है, सरकारी जमीन पर हो या किसी निजी जमीन पर हो, अगर गलत तरीके से नक्शे का अनुपालन किए बिना अगर विधि विरुद्ध तरीके से बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर उसको विधि की परिधि के दायरे में ही बुलडोजर के द्वारा गिराया गया है।